This tutorial video, we'll discuss about some important issue regarding faceless hearing. तो अभी तो faceless hearing होता है, अभी notice भेजते हैं, आपके पास notice जाते हैं, आप उसको reply करते हैं. लेकिन अगर ऐसा भी हुआ, आपके पास notice भेजा गया है और आपको मिला नहीं, शायद किसी तरह है, किसी सर्वर का प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई सबकर का प्रॉब्लम होता है. लेकिन पहले पहले ऐसा होता था कि नोटिस भेज जाता था और नोटिस नहीं मिलता था, क्योंकि आपको ईमेल नहीं किया गया, आपका ईमेल में कोई नोटिस आया नहीं. अभी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, उसका जो डेट है रिप्लाई देने का, आपका जो नोटिस का रिप्लाई देने का जो डेट है 14 days और 7 days व्हाट्सएप, आपने उस अंदर रिप्लाई नहीं दिया. अभी SSC कहता है कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है अब बींग हर्ड, मेरे बात सुनने का जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं दिया गया. नोटिस भेजा लेकिन मैंने को नोटिस नहीं मिला. अभी GST डिपार्टमेंट ने क्या किया है, कई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, आपका अब पेनल्टी ठोक दिया है. यू हैव नॉट रिप्लाइड विद इन द ड्यू डेट विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगेंस्ट अवर नोटिस, देन वी हैव नो ऑप्शन अदर देन चार्जिंग पेनल्टी. तो अभी वो लेटर SSC को मिल जाता है, जैसे ही बोलते हैं भाई पेनल्टी लगा दिया. किस बारे में पेनल्टी लगा दिया, हमको तो नोटिस मिला ही नहीं भाई. तो इसमें एक हियरिंग हुआ था कोर्ट में, कोर्ट में बोला है कि whether the SSC is had done intentionally or not. ऐसी क्या ऐसा कुछ इंटेंशनली किया है कि आपको नोटिस मिला है उसका रिप्लाई नहीं दिया. अगर ऐसा होता है तो आपका पेनल्टी ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपका पेनल्टी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप पेनल्टी चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि SSC तो आपको रिप्लाई दिया है जब आपका पास उनका पास आपका पेनल्टी का लेटर है. SSC got your letter and he took action immediately within due date. तो SSC जब आपका पेनल्टी का जब आंसर दे सकता है इतना जल्दी आपके पास, तो उन्होंने क्या आपका नोटिस मिला था? क्योंकि देखिए ऐसा होता था क्या, तब फेसलेस में पहले जब चालू किया था तब तो ऐसा होता था कि किसी को मिलता था नोटिस, किसी को नहीं मिलता था. कुछ सर्वर प्रॉब्लम होता है, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता सकता था, कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया लॉन्च किया है एंड दे वेर एक्चुअली डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड दे वेर एक्सपेरिमेंट ऑन सॉफ्टवेयर एंड डेट इज़ वाई इन सम केसेस सम SSCs गॉट नोटिस, सम SSCs डिड नॉट गेट नोटिस. ये हो सकता है क्योंकि किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है. तो क्योंकि देखिए आप जब नोटिस कोई भी डिपार्टमेंट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई नोटिस भी देंगे सिर्फ पोर्टल में डालने से होगा नहीं, उसको ईमेल में भी आना चाहिए. जो ऑफिशियल ईमेल है उसमें भी आना चाहिए, ऑफिशियल ईमेल में आया नहीं तो इसलिए SSC को पता नहीं चला कि नोटिस आया भाई हमको. तो इसलिए बोल दिया कि आई डिडंट गेट चांस ऑफ बीइंग हियर, हमारा बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया. तो कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये SSC इंटेंशनली नहीं किया है, ये हो सकता है आपका नोटिस नहीं गया,
कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिडंट इशू एनी हार्ड कॉपी, आपने तो कोई हार्ड कॉपी उनको इशू नहीं किया था, जिसका रेफरेंस में आप इस पेनल्टी को चार्ज कर सकते हो। आपने सिर्फ थ्रू इंटरनेट उनको नोटिस भेज दिया, तो इंटरनेट में उसका नोटिस नहीं गया, उसका ईमेल में कोई नोटिस नहीं गया, तो आप इस पर्पस में, इन दिस पर्सपेक्टिव, यू कैन नॉट चार्ज पेनल्टी ऑन द एसएससी बिकॉज ऑफ नॉन अपेयरिंग और नॉन रिप्लाइंग टू योर नोटिस, आप एक चार्ज नहीं कर सकते। तब ये जब कोर्ट में आया है, एसएससी जो एओ था, एसएससी ऑफिसर था, उन्होंने बोला है भाई हमने भेजा था, हमको क्या पता है उनको मिला है नहीं मिला है, तो कोर्ट ने सब कुछ देख करके आफ्टर डैट इट वाज डिसाइडेड दैट एसएससीज आर इनिशिएट एंड ही डिडंट वांट टू रिप्लाई टू नोटिस गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट वॉज नॉट हिज इंटेंशन, इट इज जस्ट ए मिस्टेक, और सम हाउ द एसोसिएशन डिडंट गेट द नोटिस एनी रीजन बट सेव, बट एसोसिएशन वॉज नॉट फाउंड गिल्टी इन दिस केस। तो यही बोल के तो एसएससी को बुला गया कि भाई तुम गलत नहीं हो, और इनकम टैक्स ने जो पेनल्टी लगाया है गलत लगाया है। तो अभी ये सिचुएशन पहले पहले था, अभी देखिए ये फेसलेस जो हियरिंग होता है ये अच्छी है बात, लेकिन जब टेक्निकल प्रॉब्लम पहले पहले था तब ये हुआ था, तब कोई एससी ऐसा फेस किया है और ये प्रॉब्लम भी हुआ है और किसी का पर पेनल्टी इम्पोज किया गया है। लेकिन अभी से आप लोग एक बात में केयरफुल हो जाइएगा, जब भी आपका ईमेल भी सर्च करिएगा, आपका पोर्टल भी सर्च करिएगा, जो भी आपका नोटिस आने का जो भी मीडिया है सब सर्च करेंगे, और उसका बाद और एक स्पेशल है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, जिसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है, हियरिंग होने वाला है, तो आप पहले उनसे कम्युनिकेट कर लीजिए बाय ईमेल, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई उन्होंने भेजा है नोटिस, हमको मिला नहीं, तो बोथ ऑफ द पार्टीज विल बी क्लियर्ड, आपका भी तसल्ली हो जाएगा भाई उन्होंने कोई नोटिस भेजा नहीं, हमने उनका साथ कम्युनिकेट किया है, दैट इज अ कॉमन प्रोसीड्यूर। तो आजकल ये बात यही कि, और जो डिसीजन हो आपका उसको लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको कहीं पे अगर ऐसा आपका प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, टिल नाउ, सी यू टुमारो।